आज हम अरावली पर्वत पे हैं और यहाँ घूमने के लिए आप काफ़ी सस्ते में राजस्थान टूरिज्म की जो टूरिज्म की बास मिलता है वो आप ले सकते हैं। ये 100 रुपीज़ पर हेड लगता है और गाइड के लिए 20 और टैक्स लगता है 5 रुपीज़ का, कुल मिलाकर 125 का। और अगर आप चाहे तो यहाँ बाइक भी मिलता है जो 250 में आ जाता है। और आप अगर फैमिली मेम्बर है, आप अकेला घूमना चाहते तो 1200 से मतलब 2000 में आ जाता है छोटा कार, उसमें आप घूम सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे पॉइंट है और राजस्थान टूरिज्म की इस बास में हम घूम रहे हैं, इसके बाद एक दिखाते जाएगा जो इम्पोर्टेंट स्पॉट है। और यहाँ नक्की लेक, दिलवारा टेंपल और जो नीचे लेक नक्की लेक में छोड़ देगा, इसके सिवा सनसेट पॉइंट भी है, वो काफ़ी सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। और आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं, मतलब आप राजस्थान टूरिज्म का बास भी ले सकते हैं, आप चाहे तो बाइक भी ले सकते हैं और चाहे तो आप कार भी ले सकते हैं। अभी हम लोग अर्बुदा माता जी के टेंपल में हैं। ये इंडिया का जो 51वां पीठ है उसमें एक पीठ है और यहाँ नीचे से आने के लिए 200 सीढ़ियाँ है। ये आने में हम लोगों को 15 मिनट लगे, लेकिन जिस टूरिज्म के साथ आए राजस्थान का, वो लोग 1 घंटा बग दिया ऊपर आने के लिए। आप धीरे धीरे आइए, ऐसे सीढ़ी में रेलिंग है, उसको आप पकड़ के आएगा तो आपको तकलीफ नहीं पता चलेगा, आप धीरे धीरे आ सकते हैं। 1 घंटा ऊपर आने के लिए काफ़ी है और आप इसे आसानी से दर्शन भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होता नीचे से देखने से जितना लगता है, और आप ऊपर आसानी से आ सकता है। और अब देखिए हम अभी टेंपल के नीचे टेम्पल के पास है। अंदर दिलवारे में पिक्चर नहीं लेने देते, फोटोग्राफी नहीं लेने देते। यहाँ 12 बजे से एंट्री होता है, शाम 6 बजे तक दिखने देते हैं। और अंदर 5 टेम्पल है और 5 में 3 वर्ल्ड फेमस है, तो अंदर दिखने नहीं, फोटोग्राफी नहीं लेने देते, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे। तो इस दिलवारा टेम्पल भी उन लोग को जो दिखाने वाले स्पॉट हैं उनमें पड़ते हैं, एक से 1.5 घंटा मिल जाता है देखने के लिए आपको। तो शायद 20-25 मिनट में अंदर जो चीज़ है वो देख सकते हैं आप। क्या है, बाहर लंबे कतार में लाइन पड़ता है, उस लाइन में थोड़ा वक्त लग जाता है अंदर जाकर घुसने में, मंदिर में जाने के लिए। तो ओवरऑल 1 आवर में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं।
अब जो टेंपल देख रहे हो ये आंचलगढ़ में स्थापित है, और आंचलगढ़ में नीचे तरफ है, ऊपर आंचलगढ़ फोर्ट है। जो हिस्ट्री हिस्ट्री है इसका, हिस्ट्री ये है, जो गजनवी जब इंडिया में आया था तो 25 टाइम्स वो इंडिया में आया और मंदिर लुटकर चला गया। तो इस मंदिर में जब आया तो यहाँ मधुमक्खी ने उनका सेना पर हमला बोल दिया, तो उन्होंने यहाँ सब छोड़ छाड़ के निकल गया। और ऊपर राणा कुंभा का फोर्ट है इसका ऊपर। आप जो टेम्पल देख रहे हैं, इस टेम्पल में शिवलिंग की पूजा नहीं होता, यहाँ शिव जी की एक अंगूठा है जिस अंगूठे को पूजा जाता है यहाँ, यही इस टेम्पल का खासियत है। और इनके पीछे काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। पहाड़ियों के बीच ये काफ़ी खूबसूरत है। और ये पीछे जो दिख रहा है, थोड़ा सा आंचलगढ़ फोर्ट का ही थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा है, और ऊपर और भी इस फोर्ट का काफ़ी सारे हिस्सा है जो अभी तोड़ फोड़ गया है। ऊपर ज़्यादा लोग नहीं जाता देखने, इसे नीचे टेम्पल ही देखते हैं, सारे गाड़ी नीचे रुक के रखते हैं। नीचे देख रहे हैं, ये आंचलगढ़ का नीचे एक तालाब है जिसमें पुरानी कहावत के अनुसार यहाँ दूध घी और पानी तीनों चीज़ मिलते थे, और तीनों राक्षस यहाँ वो रात को पीने आते थे। तो एक राजा ने उसको एक ही बाण से मारने के बाद वो तीनों वो भैंस में परिवर्तित हो चुका है, और वहाँ तीनों भैंस जो दूर में दिखाई रहे वो वही है। Thank you.